तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मैं वापस आ गया पोर्टलर अपना, और कुछ काम होने के कारण काम फिर से आ गया। वो सब काम निपटा के फिर मैं निकोबार वापस जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हूँ अपना मेन अपना सरुरल जेल का रास्ता है ये, और ये है अपना पीछे नेताजी स्टेडियम का, और वहाँ में बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहा है। आपको दिखाई नहीं देगा लगता, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा। और यहाँ में आपका स्विमिंग पूल है। फिलहाल मैं यहीं पर ही, मैं इसलिए यहीं पे खड़ा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ में आके मुझे पिकअप करेगा क्योंकि मुझे शाम को निकलना है हेड ओवर। मैं जा रहा हूँ अभी अपना नॉर्थ अंडमान साइड में माया बंदर, तो कि मुझे एक्सप्लोर करना था वो जगह, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। 2 या 4 दिन मैं रहूँगा वहीं पे, और मैं बोटलर में मेरा 2-4 दिन हो चुका है, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ यार। हर एक रीज़न होता है ना यार, वीडियो नहीं बनाने का तो समझ सकते हैं मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाया। तो अभी चलते हैं, मुझे तो जाना था उधर में, लेकिन अभी आगे चल के दिखाऊँगा मैं। नहीं यहाँ पर डर रहेगा, मुझे अभी थोड़ा घूमना है, और घूमना नहीं थोड़ा टाइम निकालना है। वो लगभग आएगा 6:30 बजे आसपास, वो आएगा पिकअप करने, तो मैं काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ। और मुझे चाय नाश्ता भी करना है, दोपहर को कुछ खाया नहीं, और अभी फिर चलो देखते हैं यहाँ क्या खाएंगे। और रात का सफ़र है तो रात का खाना भी लेके जाएंगे, या तो जहाज में खा लेंगे। और चलो मिलते अपना एडो में, तो जहाज में चढ़ेंगे। अपना जहाज है अभी नालंदा में, पहली बार वो जहाज में चढ़ूंगा क्योंकि वो जहाज एक ही बार आया था अपना कार निकोबार में, जब उसका जब वो पहला बार सेलिंग हुआ था निकोबार के लिए, तो तभी एक ही बार आया था वो जहाज। और चलो फिर से दोबारा देखने को मिलेंगे अंदर में, देखने मेरे को एक्सपीरियंस कैसा है अंदर का। मैंने वो शिप में कभी चढ़ा ही नहीं, जब वो आया था कल ही देखा था, बाहर से चढ़ा ही नहीं था, लेकिन आज मैं देखूंगा और रह के भी देखूंगा। और चलो शाम को मिलते हैं 6 बजे या तो 8:30 बजे, वहीं पे मैं आपको मिलूंगा। और देख सकते हैं यहाँ में फूड कोर्ट है, बहुत मस्त देख सकते हैं, काफ़ी लोग है यहाँ। और उस ग्राउंड में ना मैं दिखा देता हूँ, उस ग्राउंड पे वहाँ में फुटबॉल चालू है, या कुछ टूर्नामेंट है वहाँ में, कुछ टूर्नामेंट चालू है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो देख सकते हैं वहाँ में टूर्नामेंट चालू है, आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी अंदर मिलते हैं अपना मेन चट्टी एडो में फिर मिलते हैं, और उसके बाद फिर मिलते बाय। सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अपने अपना अम्मी नालंदा में माया बंदर के लिए। तो आप पहले आपको अपना रूम का टूर करा देते हैं, ये देख सकते हैं हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है, एक टू है तो यहाँ में कुछ ऐसा बैठा है, तो अपर क्लास और लोअर क्लास का देख सकते हैं। अभी नालंदा का जो बंक क्लास है कुछ ऐसे ही दिखता है। चलो मिलते ऊपर में, फिर उसके बाद फिर हम लोग चट्टी में उतरेंगे, फिर ऊपर का रूम को शेयर कर देते हैं हम लोग, हमारा कैंटीन बाकी सब जगह शेयर कर देते, तो बने रहे हम लोग।
आया हूँ इधर में, देख सकते हैं वॉश बेसिन में कुछ यहाँ का, और यहाँ में कुछ ऐसा टेबल है आ सकते शॉप है, अब पानी वगैरह सब ले सकते हैं, अभी फिलहाल बंद है। तो ये रहा वो रिसेप्शन, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप यहाँ में पूछ सकते हैं। और फिलहाल ये दो दरवाज़ा बंद है, अभी उतरेगा कब स्टेशन पर उन्होंने इन्फॉर्म कर लिया, अभी क्या करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाज का पिछला हिस्सा है लगता है, नालंदा का पिछला हिस्सा देख सकते जैसा है नजारा। तो हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ अपना माया बंदर, जो कि मैं अभी वैभी में रह रहा हूँ। तो अभी जो देख सकते हैं वो इस क्वार्टर्स में रुका है मेरा दीदी का। तो अभी प्लान करते हैं, अभी थोड़ा बाज़ार घूम के आएंगे, थोड़ा कुछ सामान खरीदना है, क्योंकि मुझे या दो या तो चार दिन का अंदर अंदर मेरे को जाना है बॉर्डर वापस। तो मैं यहाँ रुकने वाला हूँ 3 या 4 दिन, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा बॉर्डर। अभी उसी के लिए मुझे टिकट काटना है और या तो बस का, और देखेंगे वहाँ जाके मिलता है कि नहीं तो फिर ऑनलाइन में जाके काटना होगा टिकट। अपना मेन अपना DSS वेबसाइट है, उसमें काटेंगे टिकट। तो अभी चलो देखते हैं बाज़ार का क्या माहौल है और कैसा दिखता है। वैसे तो हम लोग वहीं से आए थे, ये जगह एरिया का नाम है वैभी, और मुझे बहुत जगह घूमना है यार यहाँ में, लेकिन समय बहुत कम है और बारिश भी है यहाँ में। बहुत ख़राब दिन में आ गया मैं यहाँ पे, लेकिन आया तो पूरा घूम के आना, घूम के जाएगा हम यहाँ।
तो देखते हैं इसके बाद फिर कल का ट्रिप देखते हैं। कारमाटांग घूम के जाएगा, कारमाटांग बीच और आपका टंडल बीच वही सेम जगह है, और देख सकते हैं यही एरिया से हम जाएंगे बाज़ार। और यहाँ में क्या है ना, हम लोगों को रिक्शा नहीं मिलता नॉर्मली, हम लोगों को यहाँ पे जीप है। जैसे कि आपको सामने जैसे जीप दिख रहा है, उनका पर पर्सन 50 रुपया है, उनका पर पर्सन जब 50 रुपया है। तो बस भी आ सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, 10-20 रुपया लगता है चार्ज उसका, और इसका जीप लेंगे तो 50 रुपया पर पर्सन का। तो यही रास्ता से जाएंगे अभी हम लोग, और हमें तो जीप में नहीं जाना है, बस में जाएंगे। बस के इंतज़ार में रुका है, ये क्वार्टर्स है, और चलो सामने दिखा देते हैं, वो बने रहिए व्लॉग में। हेलो दोस्तों, हम लोग मेन बाज़ार पहुंच चुके हैं, और हम लोगों ने पैसा निकाला SBI ATM से। तो अभी कहाँ जाएंगे अभी समझ नहीं आ रहा, पर हाँ यहाँ में जो रिक्शा रहेगा और आपका जीप रहेगा। अगर आपको अपना बस्ती जाना है तो यहाँ से जीप ले सकता और अपना रिक्शा भी ले सकता, तो देख सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि तुम लोग यहाँ से बस में जाए, थोड़ा सस्ता में जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने 15 रुपया है तो 14 रुपया में आए, और जीप लेंगे पर पर्सन का 10 रुपया है। और चलो देखते तो यहाँ का बाज़ार कुछ जैसा दिखता है, यहाँ का बाज़ार कुछ जैसा दिखता है, देख सकते। तो दे बने रही हमारा ब्लॉग में, तो आगे मिलेंगे। और अभी हम बाज़ार से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका बाएं बंदर प्राइमरी स्कूल रहेगा, उसके आगे देखेंगे जर्मन जट्टी। तो मिलते हैं आगे जर्मन जट्टी, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यार, माए बंदर आया तो घूम के जाएंगे यार। और क्या यार देख सकते हैं पुलिस रेडियोस, पता नहीं क्या है, पुलिस स्टेशन ही है, और बगल में ग्राउंड है, और यहाँ पर शॉप है। और अभी आया यार जहाज से, इतना दग झुका है, फिर यहाँ से आके, यहाँ से जाने के बाद फिर घर जाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर कल का प्लान देखते। कारमाटांग जाएंगे कि नहीं जाएगा वो देखेंगे, पर वो किस में जाएंगे वो प्लान नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि वो लगभग 10-20 किलोमीटर दूर है, और मैं उसके लिए अपना अलग से गाड़ी बुक करना होगा। और चलो मिलते जर्मन जट्टी, आगे मिलेंगे आपको। कुछ ऐसा क्वार्टर्स दिखता है हमें, ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा क्वार्टर्स है, और बने रही है हमारा ब्लॉग में। तो हेलो गाइस, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपना मेन जर्मन जट्टी। तो देख सकते हैं यहाँ में ये डोप है, इसको बोलते हैं जर्मन जट्टी। रोज यहाँ के लोग रोज शाम को आते हैं हमें घूमने के लिए और आराम करने के लिए। और मैं चल के दिखाता हूँ, नीचे में देख सकते हैं हट है, और वो पत्थर का बीच में आप देख सकते हैं वहाँ में ब्रिज है, ये तरफ से वो बाहर जाने के लिए, और एक बढ़िया सजा के रहते हैं। और पीछे देखो ये भाई साहब खड़ा है आते हुए मेरे पीछे से,
और देख सकते हैं वहाँ में कुछ कबल्स बैठे हुए हैं। अभी मेरे को वो आइलैंड दिख रहा बहुत दूर दूर से, इनमें से अभी आइलैंड कौन सा है मुझे समझ नहीं आता, मेरे को वो आइलैंड जाना था। लेकिन दुख की बात यह कि मैं शायद से फिर कल परसों का बोट में फिर वापस जाऊँगा बोटलर, और बस जो देखना रहेगा तुरंत देखना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। और ये यहाँ पे हट है, चलो बैठ के देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ में आप लोग ये हट में आराम कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, शाम में 4 बजे 5 बजे आपको जो सही टाइम लगे आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, अपना गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं। यदि अगर आप फिशिंग कर दिए तो यहाँ में अपना फिशिंग डोरी भी लेके आ सकते हैं, यहाँ में टाइम पास कर सकते हैं। वो जगह जैसा कि आपको दिख रहा होगा वहाँ दो लड़का लोग मच्छी मार रहे हैं। और ये जो पत्थर दिख रहा है ना आपको कुछ क्या बोलते हैं बहुत साल पुराना है ये जट्टी है, ये जट्टी भी बहुत पुराना जट्टी है और जर्मन के टाइम से होगा इसलिए जर्मन जट्टी नाम रखा है। और देख सकते हैं यहाँ में तुम फिशिंग भी कर सकते हो, वो तरफ भी जा सकते हो, वहाँ भी हट दिख रहा है आपको। और बस वही था यहाँ में यही एक जगह घूमने का। और बने रहिए अभी हम लोग जाएंगे मेन जट्टी, वहाँ में हम लोग देखेंगे टिकट का क्या, या तो फिर ऑनलाइन में चेक करेंगे। बने रहिए ब्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं जट्टी से, मेन जट्टी से हम लोग जाएंगे बाजार, बाजार से फिर हम लोग बस में जाएंगे अपना HTS, वहाँ जाके पूछेंगे कि टिकट कैंसिल होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने अपना टिकट ऑनलाइन में बुक करा था। तो मैंने अभी डिसाइड करा कि मैं बस में ही जाऊँगा क्योंकि बस में जाना भी मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता क्योंकि वेदर भी ठीक नहीं है, पूरा बारिश है, और बस में जाएगा तो कुछ दुर्घटना हो सकता है। और भी कल का जहाज में चढ़ेंगे तो सही रहेगा, और वही पूछेंगे अभी कि ऑनलाइन मैंने बुक करा था टिकट अपना HTS का, तो वो ऑफलाइन में बुक कैंसिल हो सकता है क्या, मैं वो नहीं देखता अभी। और चलो आगे चल के बस में चढ़ेंगे, यहाँ से बस मिलेगा कि नहीं चलो ट्राई करते, फिर रुकेंगे। और नहीं रहेगा तो अभी जाएगा तो लोग यहाँ से घर, जीप तो ले लें आप, और देखेंगे अभी घर जाएंगे, फिर वहाँ से अपने काम है वो काम करके वो काम पूरा करके फिर घर जाके आराम करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा समाप्त कर दे, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।